आई दिस उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एक राइट ट्रायंगल ले लीजिए आप। जैसे कि मैंने यहाँ बना लिया ए बी सी, एक राइट ट्रायंगल बना लिया। ये मैंने डायग्राम खुद से बनाया है इस तरह से, देखिए मैंने इनके नाम दे दिए ए बी सी। इसका जो बेस है ना, सबसे पहले हम बेस को वेरिएबल फॉर्म में मानते हैं, ये हो गया इसका बेस। सो बोल देते हैं लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, सो राइट ट्राइंगल का बेस कितना है, इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या बोलता है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इज बेस। अब एल्टीट्यूड जो है वो ये है, ये क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस है, मतलब एक्स माइनस सेवन है। तो यहां लिख देते हैं सो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट, तो राइट ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस है, मतलब एक्स से 7 सेंटीमीटर लेस है। सो एक्स माइनस सेवन क्या हो गया, इसका एल्टीट्यूड हो गया। और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस तो हमें दिया हुआ यहाँ पे कितना, 13 सेंटीमीटर है, ये गिवन है, लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसकी अदर टू साइड मतलब बेस की वैल्यू पूछी गई है और यहाँ पर एल्टीट्यूड की वैल्यू पूछी गई है। ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा दीजिए। सो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिए ए बी की, वैल्यू देखिए कितनी है, ए बी की वैल्यू आपकी एक्स माइनस सेवन, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस ऑफ बी सी कितना है, बी सी है हमारा जो बेस है, बेस की वैल्यू कितनी है एक्स, यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर। उसके बाद ए सी का स्क्वायर मतलब कि 13 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वेयर प्लस ऑफ 49 माइनस ऑफ 7 टू जा 14x प्लस ऑफ, ये हो गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 का स्क्वेयर करेंगे 169 आपको मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए 2x स्क्वेयर बनता है यहाँ पे, माइनस ऑफ 14x बनता है यहाँ पे, ये माइनस क्या बनाएगा 120 आपको यहाँ मिलता है, इज इक्वल टू 0। सो 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसको मिलेगा आपको एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0। ये कब आया, जब हमने डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 इंटू 5 60 बनाता है। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, यहाँ पे ये आने वाला है x कॉमन लेंगे x माइनस 12 प्लस ऑफ 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो एक्स माइनस 12 एक आएगा और एक्स प्लस 5 एक आएगा, एक्स की क्या वैल्यू आएंगी, एक्स इक्वल टू 12 और माइनस 5। सो 12 यहाँ पर ले लेते हैं क्योंकि 12 पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस में नहीं आएगी वैल्यू क्योंकि साइड है वो माइनस में हम नहीं ले सकते, तो इसलिए यहाँ पर माइनस 5 आप कैंसिल कर दीजिए। आंसर क्या आने वाला है, बेस की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, बेस जो हमने एक्स माना था एक्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाता है, और यहाँ पर जो हाइट है वो कितनी है, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हाइट आपकी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाती है, बेस 12 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है।